हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चली रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग 11 जुलाई आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में आपको मिलने वाला है हिस्ट्री ऑफ द डे के बारे में क्वेश्चंस एंड डेली के जैसे टॉप 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्या है। करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो कौन बना है? देखिए यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश जो है वो 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला देश, पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डियर फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है। जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसे कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? आर के गुप्ता के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा। तो देखिए कौन सा राज्य करेगा डियर फ्रेंड्स? गुजरात करेगा। ठीक है, जो अभी 36वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है उसकी मेज़बानी गुजरात करेगा, और जो 2023 में राष्ट्रीय खेल होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा डियर फ्रेंड्स? मेघालय करेगा। ठीक है, मेघालय, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये कितने नंबर का होगा? 38वें नंबर का होगा डियर फ्रेंड्स। ओके सॉरी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो मत्स्य किसान दिवस है वो कब मनाया जाता है डियर फ्रेंड? 10 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस यानी कि AIDEF संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कौन करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा इसका, इस प्रदर्शनी का शुभारंभ? इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राजनाथ सिंह जी करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में विंबलडन एकल खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो देखिए जो आपके अभी ये जुलाई में 2022 में विंबलडन एकल जो हुआ है उसका खिताब किसने जीता है? तो उसका खिताब एलिना रिवाकिना ने जीता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एलिना रिवाकिना के बारे में आपने बहुत सुना होगा और इन्होंने ही इस बार विंबलडन का एकल खिताब जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में रानिल विक्रम सिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए किस देश के प्रधानमंत्री से पद से इस्तीफा दे दिया है? श्रीलंका। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श्रीलंका के ये प्रधानमंत्री थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है जुलाई में ही। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखते हैं आज की हिस्ट्री के बारे में डियर फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं, आज की हिस्ट्री का क्या महत्व है। ठीक है, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे का। 1889 शोभा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल बना था। ठीक है, देखिए 11 जुलाई 1889 को क्या हुआ था डियर फ्रेंड्स?
फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल बन गया कौन? शोभा बाजार क्लब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे का क्वेश्चन क्या है। आज ही के दिन यानी कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की ट्रेनों में हुए बम धमाकों में 187 लोग मारे गए और करीब 700 लोग घायल हो गए। ठीक है, ये आज की ही घटना है लेकिन 2006 की घटना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे का। आज ही के दिन यानी कि 11 जुलाई सन 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई क्योंकि इसी दिन विश्व की जनसंख्या में 5 अरब का आंकड़ा पार किया गया था। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? डियर फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और सबसे पहले कब मनाया था? तो सबसे पहले 11 जुलाई 1989 को मनाया गया था। ठीक है, ये देखिए विश्व जनसंख्या दिवस का ये सिंबल है, आप याद रखेंगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टैटिक जीके का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी भारत में सिंचाई नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर मानी जाती है। और ये देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर को इस फिगर के माध्यम से मैंने आपको दिखाया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय किसका उदाहरण है डियर फ्रेंड्स? बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? चीन सागर जो है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो उसका नाम है डियर फ्रेंड्स टाइफून। ओके, ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं ये इस टाइप से जो कहाँ पर है, चीन सागर में है, इन्हें किस नाम से जानते हैं? टाइफून नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है? तो डियर फ्रेंड्स शारदा जो एक्ट लागू किया गया था वो किसके लिए किया है? बाल विवाह के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती हैं? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो राज्य विधानसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जम्मू और कश्मीर के लिए 6 वर्ष का होता है और हमारी इंडिया में 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है डियर फ्रेंड्स? अनुच्छेद 352। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो जो हमारा भारत का संविधान है उसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ये देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र का यहाँ पर मैंने पिक भी मेंशन की है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस अंग के खराब होने से पीलिया हो जाती है? देखिए अगर आपकी बॉडी में लीवर डैमेज हो जाता है तो आपको पीलिया हो सकता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए लीवर का यहाँ पर फिगर भी मेंशन किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए स्टैटिक जीके के ऐसे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिलते रहेंगे डियर फ्रेंड्स हम लोग
और आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।